सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके आसानी से। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं जाहिद। आज हम सीखेंगे कि SBI एनीवेयर ऐप से क्विक ट्रांसफ़र मेथड का यूज़ करते हुए फ़ंड पैसा कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। सबसे पहले आपको अपने बैंक से नेट बैंकिंग सर्विस लेना होगा, तभी आप ऑनलाइन बैंकिंग का काम अपने फ़ोन में कर सकते हैं। अब प्ले स्टोर से SBI एनीवेयर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मैं पहले से इंस्टॉल करके रखा हूँ तो इसे ओपन कर लेता हूँ। जब आप इस ऐप का अपने फ़ोन में पहली बार यूज़ करेंगे तो ये आपके बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP भेज के वेरीफाई करेगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ स्क्रीन पर यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है। ये यूज़र नेम पासवर्ड जब आप नेट बैंकिंग लेंगे उस टाइम बनाना होता है और उसी ID से यहाँ पर आपको लॉगिन करना होता है। तो मैं यहाँ यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेता हूँ। आप देख रहे हैं कि मेरा अकाउंट यहाँ पर लॉगिन हो गया है। अब मुझे यहाँ पर पैसे ट्रांसफ़र करना है तो मैं फ़ंड ट्रांसफ़र में जाऊँगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्विक ट्रांसफ़र में जाना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे सेंड मनी का है और रिसीव मनी का है, तो मैं यहाँ पे पैसा भेजना है तो सेंड का ऑप्शन लूँगा। उसके बाद यहाँ पर डेबिट फ्रॉम अकाउंट लिखा है तो यहाँ पर जिस अकाउंट से पैसा भेजना है वो अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको पे यूजिंग अकाउंट डिटेल्स में जाना है क्योंकि हम अकाउंट नंबर के थ्रू पैसा भेजना चाहते हैं। बेनिफिशियरी नेम मतलब उस अकाउंट होल्डर का नाम, बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर मतलब जिसमें आप पैसा भेजना चाहते हैं, और उसके बाद उस अकाउंट को कन्फर्म करना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको IFSC कोड डालना है और उसके बाद जितना पैसा भेजना है आप यहाँ पर डाल सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें दोस्तों, आप एक दिन में क्विक ट्रांसफ़र का यूज़ करके 25,000 रुपये तक भेज सकते हैं, लेकिन आपको हर ट्रांजेक्शन में 10,000 की लिमिट होती है, तो आप एक बार में 10,000 रुपये ही भेज सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ करके। तो मेरा एक दोस्त का अकाउंट है, उसमें मैं पैसे ट्रांसफ़र करता हूँ। IFSC कोड पासबुक में दिया होता है या फिर आप इसे ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हैं। रिमार्क में आप कुछ भी डाल सकते हैं, मैं फ़िलहाल यहाँ पे टेस्ट डाल दे रहा हूँ। और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको कंफर्म करने के लिए बोल रहा है, अगर आप कुछ गलती की है तो वापस से इसे ठीक कर सकते हैं, कंफर्म करने के बाद नहीं होगा। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। आप देख रहे हैं कि पैसा ट्रांसफ़र हो गया सक्सेसफुल। और ये रेफरेंस नंबर है, आप इसे फ्यूचर यूज़ के लिए रख सकते हैं। कभी ऐसा होता है कि पैसा ट्रांसफ़र नहीं होता है या फिर कट जाता है, तो आप बैंक में जाके इस नंबर से क्लेम कर सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ पैसा ट्रांसफ़र हुआ है कि नहीं, मेरे अकाउंट से कटा है कि नहीं। इसके लिए आपको माई अकाउंट में जाना होगा, उसके बाद आपको मिनी स्टेटमेंट में जाना होगा।